और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़ है और जायरीन की बड़ी तादाद दाता दरबार पहुंच चुकी है और हाजिरी का सिलसिला जारी है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर जायरीन के लिए लंगर का खसूसी इंतजाम भी किया गया है और खसूसी दुआ भी की जाएगी। इसी पर हम बात करेंगे, शाहिद चौधरी हमें ज्वाइन करें। शाहिद चौधरी बताएगा खसूसी महफिल कब शुरू होगी। जी बिल्कुल, इस वक्त हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के उर्स मुबारक का आज दूसरा रोज़ है और बहुत बड़ी तादाद में जायरीन की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। तांता बंधा हुआ है जहाँ पर फातिहा खानी करने वाले का और इसके साथ साथ चादर पोशी की जो रस्म है वहाँ पर जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में जो जायरीन है वो फैज़ान अपना जो है वो समेटने के लिए जो है यहाँ पर वो तशरीफ ला रहे हैं, फैज़ो बरकात जो है वो समेटे जा रहे हैं। इसके साथ साथ रूहानी महाफिल का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। महफिल हुस्ने किरात नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके साथ साथ उलमा किराम की जानिब से खिताबात का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसमें हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के अफकार के हवाले से जो है तालीमात के हवाले से जो है वो बयानात का सिलसिला वो भी जारी है। बहुत बड़ी तादाद में जायरीन जो है वो दुनिया भर से जो है अकीदतमंद वो यहाँ पर हाजिरी के लिए फातिहा खानी के लिए हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के मजार शरीफ पर जो है वो हाजिरी दे रहे हैं। इसके साथ साथ लंगर का भी खसूसी इंतजाम किया गया है, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो किए गए हैं। इस वक्त भी जो महफिल है रूहानी महफिल का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। तीन रोज से उर्स जो है वो जारी रहेगा। इतवार की रात को जो है वो इख्तितामी दुआ जो है वो करवाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी, आपने हमें अपडेट किया।